चलिए आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर आपने पढ़ा कौन सा होता है हेलो कार्बन एक रेफरेंट होते हैं, ठीक यस है ना, ये आपके समझ में आ यस गया। सर अब हेलो कार्बन को हम देखेंगे, हेलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन रहते हैं। क्लोरीन इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ब्रोमीन आयोडीन नहीं रहता है लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन रहते हैं, और एफ जो है वो फ्लोरीन का है। अब मैं एक नाम देखता हूं, आपने नाम सुना है क्या, F11, F22, ये नाम सुने हुए आपने। अब सर इनको R11 या R22 हो सकता है, ये F या R लगा है तो R का मतलब क्या है, सभी रेफरेंट के लिए कॉमन है, लेकिन F फ्लोरीन होने के कारण केवल फ्रियान ग्रुप के लिए है, ठीक है ना। F किसके लिए यस है, सर फ्रियान ग्रुप के लिए है फ्लोरीन होने के कारण। ग्रुप तो अभी हम हेलो कार्बन है तो इसको हम एफ से बता रहा हूं, आप आर से भी बताएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। अब आते हैं हम नंबर पर, ये क्या लिखा है, F11 या F22, इलेवन क्लियर। यस सर अब ठीक एफ इलेवन को सबसे पहले हम ये माने कि ये क्या हो गया F011 और ये क्या हो गया F22, F022, सर मतलब हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, मतलब एक आर एक्स वाई जेड नाम हो गया, ठीक है ना। यदि मैं इसको देखूं सर तो क्या हो गया, F11 क्या हो गया मेरा F011 और ये क्या हो गया F022, ठीक है। अब मैं नीचे की ओर आ रहा हूं, स्क्रीन में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, आ रही है, नो सर आ गई, नई वाली आ यस गई। अच्छा सर अब आगे सर इसमें देखिएगा, F11 में अगर हम उससे देखें एक्स वाई जेड से, तो ये जो सबसे पहला वाला डिजिट है जीरो, आप इसमें प्लस वन कर दीजिएगा, मतलब पहले तो क्या लिख लीजिए आप सी एच और एफ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज छूट गई वो मैं बता सर दूं कि एक्स वाई जेड का मतलब होगा कि एक्स का मतलब होगा कार्बन का एक ज्यादा है, ठीक है, एटम। वाई का मतलब होगा हाइड्रोजन का एक कम है, और जेड का मतलब होगा कि फ्लोरीन है ये, ठीक है। आगे बार बार आ गया, ये आपको याद हो जाएगा, पहले वाला क्या बताएगा कार्बन का प्लस वन, दूसरा वाला क्या बताएगा हाइड्रोजन का का एक कम एक कम, और यहां पर क्या बताया गया, फ्लोरीन फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ठीक है। अब आइए अपन इस पे आते हैं, तो अब यहां पर देखेंगे तो 011 या F11 में क्या हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा अपना, अपने क्या करना है प्लस वन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा एक, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एक है तो वो माइनस करना है तो वो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो और इनका एक, क्लियर। एक एक यस सर अब कार्बन के चार वैलेंसी रहती है, चार अपन डंडियां खींच दी है, इसमें लाइन खींच दी है। यस अब इसमें फ्लोरीन अपन ने एक लगा दिया, राइट, सर हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां हाइड्रोजन मतलब जहां खाली पड़ा हो वहां पे सब पे क्या लगाते हैं हम, सीएल, क्या लगा देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन समझ में आ गई। यस सर इसका मतलब इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, सी सी एल सीएल थ्री थ्री एफ एफ, मतलब तीन सी एल है। अब इसका जब नाम हम लिखते हैं तो उस समय हम क्या होता है, ये IUPAC पद्धति है जिससे नाम लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल चलते हैं, तो पहले क्या है क्लोरीन, तो क्लोरो आएगा। अब क्लोरीन कितनी अपनी, तीन, तो क्या हो जाएगा ट्राई ट्राई क्लोरो। आएगा ट्राई ट्राई अब इसके बाद आएगा फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा वो मोनो फ्लोरो या केवल फ्लोरो, या तो मोनो फ्लोरो लिखे या केवल फ्लोरो लिखते हैं, ठीक है, एक ही है ना वो। और चूंकि सर कार्बन एक है तो वो CH4 बनाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, मीथेन। मीथेन तो अब F11 का यदि अपन फार्मूला देखें तो क्या बनेगा, CCl3F, और उसका नाम एफ लिखेंगे तो क्या होगा, ट्राई क्लोरो ट्राई मोनो ट्राई फ्लोरो क्लोरो मीथेन, मोनो फ्लोरीन समझ में आ गया। अब यस सर अपन दूसरे को देखते हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अब अपन दूसरे को देखते हैं कि यहां पर अपन देखें F22, तो F22 में आप देख रहे हैं, सॉरी ये नीचे चला गया, मैं लाता हूँ इसको। F22 मतलब क्या हो गया आपका, F022, सबसे पहले तो आप 022 लिख लेंगे, ठीक है। सर अब जीरो मतलब कार्बन क्या हो गया, कार्बन में एक जोड़ना है, तो कार्बन कितने हो गए एक, क्योंकि जीरो लिखा है, सही है। दो हाइड्रोजन सौ यहाँ पे दो है, तो अब इसमें से एक घटाना है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा एक, एक हो और फ्लोरीन एक की जगह कितने जाएगा हो जाएंगे दो, तो अब आपका दो दो है ना दो, ठीक है। अब कार्बन एक ही है तो उसकी चारों यस आप लाइंस बना दें बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। फ्लोरीन के दो है तो कहीं पर भी सर लगा दें, यहां लगा दें या यहां लगा दें,
ठीक है, हाइड्रोजन का एक लगा दें, अब खाली जगह कौन सी बचेगी, ये वाली, तो इसमें क्या लगा दिया, सी एल, खाली जगह जो भी होगी वहां पर क्या लगेगा आपका, सी एल, सी एल। अब इसका नाम लिखेंगे तो सी के साथ यदि एच है तो सबसे पहले एच आएगा, तो एक सी और एक एच तो क्या होगा, सी एच, फिर क्लोरीन आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, सी एल, एक ही सी एल है, और एफ इसका होगा टू, मतलब तो अब इसका नाम पढ़ेंगे तो पहले क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो कितनी अपनी एक, तो क्या हो जाएगा मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो बनेंगे तो क्या हो जाएगा डाइफ्लोरो, और कार्बन एक ही है तो क्या हो जाएगा वो मीथेन, मीथेन, कार्बन दो होगा तो क्या हो जाएगा वो इथेन। तो अब आप इस फॉर्मूले में देखिएगा, एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं पर भी क्लोरीन का कोई लेना देना नहीं है, किसका है, कार्बन का पहले डिजिट में, दूसरे डिजिट में किसका है, हाइड्रोजन का, और तीसरे डिजिट में किसका है, फ्लोरीन का, क्लोरीन वहां आती है जहाँ खाली जगह मिलती, ठीक है, और फिर इस तरह। तो आपकी जो डेटा बुक है, रेफरेशन की टेबल और चार्ट है, उसमें पहले जो कंटेंट लिखे हैं उसमें नाम भी लिखा है, ये नंबर मतलब केमिकल नेम भी लिखा है, केमिकल फार्मूला भी लिखा है, और नंबर भी लिखा है, तो आप इससे टेली कर लें कि आपके समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, अब अपने को 134 के लिए ट्राई करना है, F134A या R134, दिख रहा है आपको, यस। 134 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अपने जितने भी ऑटोमोबाइल है उसमें जो एसी लगा हुआ है उसमें जो रेफरेंट यूज होता है 134A, एक आगे और लिखा रहता है, ठीक है ना, तो 134 का नाम लिखना है, तो 134 का मतलब यदि यहाँ पर इस वाले डिजिट में आपको कुछ अंक दिख रहा है, मतलब वो क्या है, हेरो कार्बन है, तो वहां पे आप F भी लिख सकते हो और R भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने जितने भी गाड़ियां हैं उसमें अभी जो नई गाड़ियां, पुराने में R22 होता था, अब R134 है, तो R134 का नाम करें अपन, देखेंगे फार्मूला क्या होगा और वो क्या होगा, करें, कार्बन कितना हो जाएगा, एक दिया तो कितना हो जाएगा, दो, एक कम हो जाएगा, नहीं एक बढ़ जाएगा, कार्बन बढ़ता प्लस हो जाता है, अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तीन की जगह एक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्लोरीन पूरा का पूरा रहेगा, तो C2H2O4। अब जब भी ऐसा हो तो आपको CC को अलग अलग करना है, तो एक C लिया, एक C लिया, इनको आपस में एक बॉन्ड से बांधा, और बाकी इसके चार ये होगा, इसके चार ये होगा, ऐसा लिख दो, कर सकते हैं, यस सर, यस सर। दो C होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, इथेन, पहले वाला में एक C था तो क्या था, मीथेन, मीथेन था, ये क्या हो जाएगा, इथेन, आखिरी वाला बता दें क्या, अब दो एच लगा दो, ये दो एच बोल रहा है, और चार एफ लगा दो, चार एफ, अब इसमें कोई जगह नहीं बची तो अपने को क्लोरीन जबरदस्ती नहीं डालना, ठीक है ना, यस सर। अब इसका क्या हो जाएगा, अब अपन इसको पढ़ा तो क्या हो जाएगा, इस तरह पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सी एच एफ टू, इस तरह पढ़ा तो क्या हो जाएगा, सी एच एफ टू, सही है ना, तो आप इसको सी एच एफ टू, सी एच एफ टू भी लिख सकते हैं, आप इसको सी टू एच टू एफ फोर भी लिख सकते हैं, राइट, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरो ईथेन। आप जो भी आपके जितने भी आपके बुक में दिए हो, क्यूब में दिए हो, अब आप फार्मूला समझ गए कि इनका यदि नंबर दिया है तो उससे हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाए या उसका नाम कैसे लिखे, ये कर सकते हैं आप, हो जाएगा। तो ये था हमारा हेलो कार्बन का, इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताए, हम आगे चले, आगे चले, यस सर, मैंने स्क्रीन को मूव किया है, आपको दिख रहा है स्क्रीन मूव हुई है, यस सर, हाइड्रोकार्बन लिखा आ रहा है, यस सर, है ना, फ्रॉन। अब इसकी खासियत देखिए कि इसमें फ्रियोन नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मैंने दो बताया ना, एक क्या होते हैं संतृप्त और एक क्या होते हैं असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, सैचुरेटेड में पहला नाम क्या बताया था मैंने, मीथेन लिखा है ना, मीथेन CH4, यहाँ पे क्या हो गया, CH4 हो गया ये, अब अनसैचुरेटेड में मैंने बताया था क्या, कि डबल बॉन्ड लग गया, तो अब दो बॉन्ड यहाँ होगा, तो अब कार्बन में कितने बचेंगे, एक दो और एक तीन और एक चार, अब इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ शेयर हो गया, समझ गए, ये समझ गए आप, मतलब इसमें कहीं एफ और सी एल नहीं है, है ना, yes, अब अपन देखिए यहाँ पर कि इसका नाम करते हैं अपन क्या है? अब आप देखिएगा कि आप उल्टा हो जाएगा, उल्टा किस सेंस में हो जाएगा, कि पहले हम क्या कर रहे थे कि नंबर से नाम निकाल रहे थे, सही है ना,
नंबर से क्या निकाल रहे थे, 11 से क्या निकाला हमने, नाम। हम क्या करेंगे कि नाम से नंबर निकालेंगे इनका। तो पहले जो हम कार्बन को माइनस करते थे, आप क्या करेंगे, प्लस। मतलब पहले हम प्लस करते थे ना कार्बन को, हेलो कार्बन में क्या करते थे, जो भी नंबर उसमें प्लस करके कार्बन ले लो, प्लस करते थे, है ना, हाइड्रोजन में एक माइनस करके ले लो, माइनस करते थे। अब उल्टा होगा, अब क्या होगा कि चूंकि ये दिया इसमें कितने कितने हैं कार्बन, एक कार्बन, एक है कार्बन, एक सी एच फोर में। अब नंबर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, जीरो होगा, दो होगा, थोड़ा सोचो जरा बताओ क्या हुआ ये। सर जीरो हो जाएगा ना, पहले प्लस करते थे, माइनस करेंगे, अब माइनस जीरो होगा। और यहाँ पर ये एच क्या हो जाएंगे, चार जाएंगे, कितने हो जाएंगे, बोलिए, पांच, पांच। और फ्लोरीन नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। तो अब इसका नंबर क्या हो जाएगा, सी एच फोर का बताए, सी एच फोर का नंबर बोले क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी टू एच फाइव, आप लोग मेहनत करें। ये क्या हो जाएगा, मीथेन का आर, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, फ्लोरीन नहीं है, क्या होगा, आर जीरो फाइव जीरो, ठीक है। अब अपन मीथेन पर आते हैं, मीथेन ये आपने पढ़ा है, ईथेन है ना, ईथेन में कितने कार्बन होते हैं, yes, दो। इसका फार्मूला क्या है, C2H6 है ना, yes, sir. दिख रही है, C2H6, हाँ सर, C2H6 है, दो कार्बन होंगे और छह हाइड्रोजन होंगे, तो बैलेंस हो गया ये, yes, अब इसका नंबर बताइए, yes, आप लोग क्या होगा, आप बताइए नंबर क्या होगा, R, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, R, 70, फिर क्या आएगा, R के बाद कौन सा डिजिट आएगा, C1 क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन जो है हम पे एक माइनस करना है, बहुत कम करना है, यहाँ पे क्या आएगा, सेवन हाइड्रोजन में हमको एक ऐड करना है, सेवन, और फ्लोरीन की जगह जीरो, तो जीरो क्या जाएगा, R170, यस सर, मेरा काम हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, C3H6 बताइए। बेसिकली जो आते हैं अपने हाइड्रोकार्बन वो किस फॉर्मूले से आते हैं, सैचुरेटेड CnH2n+2 से, एन का मान एक रखा तो क्या आ गया, CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन, एन का मान दो रखा तो क्या हो गया, C2H6 ईथेन, एन का मान तीन रखा तो क्या हो गया, प्रोपेन, और प्रोपेन। इसके नंबर में एक चीज खास देखिए आपने कि इसका लास्ट डिजिट जीरो था, क्योंकि इसमें फ्लोरीन नहीं है, है ना, यस सर, यस सर, फर्स्ट डिजिट इसका जीरो नहीं है, जबकि हेलो कार्बन में R11 R22 में पहला जीरो होता था, इसमें नहीं है, यस, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ, चलिए अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड के नाम पे। अनसैचुरेटेड के नाम पे हम बात करें तो ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे अनसैचुरेटेड का बोलते हैं जब बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो बल्कि क्या हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, n का मान हमने दो रखा तो क्या हो गया, C2H4, ठीक है, और इसको An की जगह क्या लिखेंगे अपन, ene, इथीन, इंग्लिश में लिखना आसान है, इथीन नहीं है, ये क्या है, इथीन, राइट, और ये क्या हो गया फॉर्मूला, C2H4। अब इसका नंबर मैंने यहाँ देख लिया, ये सही है कि R150, जरा बताइए आप लोग, ये नंबर सही है कि R150 जो मैंने लिखा है C2H4 का, सर शो नहीं हो रहा, यस यस सर, सही हो रहा है, सही है सर, सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, है ना, एच को कार्बन को अपन ने कम किया है, कम हो गया, कम करेंगे और इसको एक एक बढ़ाएंगे, और ये वाला एसिटिलीन, ये एथिलीन जिसको बोलते हैं, इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, तीन, तीन, तो एन की जगह यहाँ पर माइनस टू होता है, तो एन की जगह दो रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C2H2, इसको अपन एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, इथाइन, ठीक है, और इसका नंबर क्या हो जाएगा बताए, 130, R130, तो मतलब यहाँ पर आकर के हमको ये पता लगा है कि यदि हम देखें कि
ये हमको समझ में आया कि हेलो कार्बन में हम नंबर से नाम निकालते हैं, है ना? यस सर। देखिए यहाँ पर आखिरी में ये देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे, CH4 के सामने मैंने लिख दिए हैं कुछ, ठीक है ना? नंबर जो आप बोल रहे थे वो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं, है ना? यस सर। आर एक्स वाई जेड के नाम से बताते हैं, CX HY F Z, ठीक है ना? तो इस तरीके से अभी अपन ये यहाँ पर देखे तो हम ये पाते हैं कि कार्बनिक में हेलो कार्बन है और संतृप्त है और असंतृप्त, ठीक है ना? हेलो कार्बन में हम जो नंबरिंग शुरू करते हैं वो F या R से लिख सकते हैं और उसमें पहला डिजिट जीरो हो सकता है, जैसे F 11 मतलब क्या हो गया 011, ठीक है ना? सुन रहे आप? सही। यस सर। समझ में आ रही आपके? यस सर। मतलब यदि अपन यहाँ पर बात करें आगे चल करके तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अभी तक क्या काफी कंबस्टन हो गया है, तब आप देखें। अच्छा मेरा वीडियो चालू नहीं हुआ अभी तक, मैं मेरा वीडियो चालू कर लूं। मेरा वीडियो चालू नहीं था, चलिए मेरा वीडियो भेज जाएगा, मैं भाई सोचा था मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। चलिए तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पाएंगे कि क्लासिफिकेशन में पहला नाम जो आ रहा वो क्या आ रहा है आपका, हेलो कार्बन। हेलो कार्बन F से या R से किसी से भी आप बता सकते हैं, F 11 R 11, उसी खासियत यह है कि उसका जो आखिरी वाला डिजिट है वो जीरो नहीं होगा, उसमें क्या होगा फ्लोरीन होने के कारण कुछ ना कुछ अंक होंगे। जैसे 11 में क्या है 1, है ना? 22 में क्या है 2, 32 में क्या होगा 2, वो फ्लोरीन का है। तो इसमें फार्मूला हमको क्या करना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है, मतलब नंबर से हमको क्या लेना पड़ता है, नाम निकालना पड़ता है, केमिकल फार्मूला निकालना पड़ता है। लेकिन वही चीज हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब आएंगे तो वहां पर क्या होता है, आपको फार्मूले से नंबर निकालना होता है। फार्मूले से नंबर निकालने में भी कॉन्सेप्ट वही है, कार्बन और इतनी ही केमिस्ट्री, इससे ज्यादा नहीं है, तो आप घबराए ना केमिस्ट्री से, ठीक है ना? तो इस केमिस्ट्री के साथ अपने आप ले, इतनी केमिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो अब आप इसका मतलब ये समझ गए हैं कि इनके नाम और नंबर का क्या मतलब है। तो अब इसका हम करें क्या, हमें परीक्षा में ये आता है कि कोई नंबर दे दिया हेलो कार्बन का तो उसका आपको नाम और केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? या मीथेन लिख दिया तो उसका आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि जो आपके रेफरेंस टेबल है उसमें कंटेंट में कुछ रेफरेंस के नाम भी है, कुछ पूरे नहीं। यदि वो आपके एग्जाम में आ रहा है पूछ में तो आप वहीं से लिख दीजिएगा, कोई दिमाग मत लगाइए, ठीक है? लेकिन उनके अलावा यदि कोई आते हैं तो आपको यही तरीका अडॉप्ट करना होगा। तो अभी हमारे दो, अभी हमने जो रेफरेंस के बारे में पढ़ा था, पहला क्या था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, पर्पस क्या है उसका, ठीक है ना? दूसरा हमने पढ़ा कंपोजिशन पर, कंपोजिशन में पहला हमने क्या पढ़ा, हेलो कार्बन, राइट? उसके बाद नंबर दो पे हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम यहाँ पर आएंगे लेकर के इनऑर्गेनिक और एजियोट्रोप्स। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन ना हो, क्या बोलते हैं, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक, सही है ना? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक, ये बोलते हैं ना अपन। अब इसमें अगर कुछ नाम देखें तो मैंने अभी देखिए स्क्रीन शेयर करी है, आप लोगों को दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक की खासियत ये है, दिख रही है? हो सकता है आपकी मशीन चल रही हो तो दिखेगी, है ना? इनऑर्गेनिक में, अकार्बनिक में यदि हम कुछ नाम ले तो वो नाम है अमोनिया, NH3 जिसको बोलते हैं अपन, पानी जिसको H2O, या वायु जिसको एयर बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होने के बावजूद ये इनऑर्गेनिक ग्रुप में है, इस चीज का ध्यान रखें, बाकी में कहीं कार्बन नहीं मिल रहा है ना। तो अब इनके नंबर जब हम लिखते हैं तो इसके लिए खासियत यह है कि इसका पहला डिजिट 7 होगा। अब पहचान समझ रहे हैं? तो अब इसका नंबर क्या होगा, R7,
और फिर उसके बाद आर 717 718 729 744 764 ऐसे हो। तो अगर आपको पहचानना हो गया अकार्बनिक है रेफरेंट, तो उसका नंबर आप देख के नंबर देख के बता सकते हैं आर 700 मतलब ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्लियर? यस सर। यस सर। राइट। और यदि मैंने बोला आर 150 इसका मतलब आपने क्या बोल दिया, हेलो कार्बन तो नहीं है क्योंकि आखिरी वाला डिजिट क्या है, जीरो है। जीरो जीरो है। और यदि 22 बोला इसका मतलब देख इधर पे फ्लोरीन है मतलब ये क्या है, हेलो कार्बन है। इतना आप इसी जजमेंट पे बता सकते हैं। ठीक है। अब हम अकार्बनिक के नाम में नंबर देखते हैं कि इनका नंबर कैसे आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पर फिर आ रही है एटॉमिक वेट की, जो मैं बता दूंगा। अमोनिया में नाइट्रोजन एक है और हाइड्रोजन तीन है, तो इनका एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का कितना होता है 14, बस हाइड्रोजन का कितना होगा 3 × 1, हाइड्रोजन का एक होता है तो कितना हो गया ये 7। ठीक है। वैसे देखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यदि हम इसको टोटल का जोड़ा है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1 तो कितना हो गया 17। अमोनिया का नाम जो होगा वो क्या होगा, आर 7 तो हम पहले लगा चुके हैं अकार्बनिक का, आखिरी के दो जड़े उसका एटॉमिक वेट होगा तो क्या होगा आर 717। क्लियर? ओके सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अब पानी के बारे में देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो क्या होगा 2 × 1। ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 तो कितना हो गया 18, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नंबर क्या हो जाएगा आर 7 तो रहेगा 718। क्लियर? एयर का एटॉमिक वेट 29 होता है, उसमें क्योंकि वो कंपोजिशन है बहुत सारे गैसेस का तो अलग अलग नहीं होता। हमने कैलकुलेशन करी है, आपने आईसी इंजन में करी होगी, आर की वैल्यू जो निकालते हैं अपन, तो इसको सीधा लिखते हैं आर 729। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखे तो कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 32 और 12 कितना हो गया 44 तो क्या हो गया आर 744। क्लियर? यस सर। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का होता है 32 तो 16 दूनी 32 और 32 64 तो क्या हो गया आर 764। इस ग्रुप में यही पांच है यूजली जो आते हैं, वो तो बहुत सारे सकते हैं अपन उनके नंबर निकाल सकते हैं, बट पॉपुलर रेफरेंस जो है वो यही है। जैसे मैंने बताया एयर कहाँ यूज होता है अपने रेफ्रिजरेटर में ही हो रहा था सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में। यस सर। अमोनिया कहाँ होती है कोल्ड स्टोरेज में, सही है ना। हाँ यस सर। पानी कहाँ होता है आइस प्लांट में, आइस प्लांट में अपन ड्राई सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि यूज नहीं होते, ये भी रेफरेंट है, लेकिन ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं अकार्बनिक। ठीक है। अब हमारा आज का हम आखिरी और देखते हैं एजियोट्रोप्स करके है पांचवे नंबर का, जिसको मैंने नोट्स में जो लिखा था वहां बताया था। स्क्रीन मूव हो गई है। यस सर। एजियोट्रोप्स में देखें तो इसका पहला डिजिट क्या होता है 5, तो इसका नंबर क्या होगा आर 5 और फिर इसके बाद नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर लिखे मैंने, आर 500, 501, 502, 503, 504। ठीक है। अब इनका जो रहता है आपके वो डाटा बुक में शायद आर 502 का है ना, लेकिन यहाँ पर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे नंबर, राइट, इसकी चिंता ना करें आप। तो इसको हम कह सकते हैं अभी होता क्या है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप बेसिकली आप देखिए 500 में क्या है आर 12 है और आर 152 है, लेकिन इनका परसेंटेज फिक्स है 73.8% है R22 और 26.2% है R150। तो आपको इसमें R500 में जब लिखना पड़ेगा तो इनके नाम वगैरह नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है कि R500 एजियोट्रोप है जिसमें फ्लोरीन ग्रुप के दो रेफरेंट R12 73.8% है जबकि R152 26.2%। समझ में आई? मतलब एजियोट्रोप का जैसे बोला जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, एजियोट्रोप मतलब ये दो का कॉम्बिनेशन है, फ्रियान ग्रुप के दोनों है, दोनों हेलो कार्बन है, उनके नंबर और उनका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। जैसे आर 501 में आर 22 कितना है 48.8%, राइट? यस सर। और आर 115 में कितना है 51.2%। 2%।
अब यदि आप इसको देखें एजीट्रोप्स को, एजीट्रोप्स को देखने के बाद हम यहाँ पर जब जाते हैं तो ये पाते हैं इसमें कि आपको मैं निकाल रहा हूँ इसमें मैं शेयर कर रहा था ये वाला कौन सा था पीडीएफ में क्या है पीडीएफ देखा है क्या इसमें ये यार पीडीएफ आपको मिल जाए कितने कितने परसेंट क्या क्या तो अब यदि हम यहाँ पर चले और ये वाली चीज देखें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की है या जो चीज हमने समझी है उसके बारे में हम यहाँ पर देखें तो इसको देखें तो आप ये पाएंगे इसमें ये इशू है 40-40 मिनट में दो क्लास एक ऑलरेडी एडवांस करके रखना पड़ता है। तो अब आप लोगों ने मैं यहाँ पर समरी करता हूँ कि हम लोगों ने जो पढ़ा है रेफरेंट क्लासिफिकेशन में आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो ये कि आप हेलो कार्बन को समझ पाए F11, F22, F22 का मीनिंग क्या है या F क्यों लगा हुआ है फ्रियान ग्रुप के कारण। दूसरा आप सैचुरेटेड स्क्रीन आए के सामने मैंने वर्ड फाइल खोली है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है इनऑर्गेनिक में R717 आ रही है ना हाइड्रोकार्बन रेफरेंट और इनके नंबर है R500 501। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हम समरी करें तो हमने क्या देखा टुडे वी हैव डिस्कस्ड सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट राइट रेफ्रिजरेंट तो चीजें हमने क्लासिफिकेशन में भी हमने जो स्ट्रेस दिए वो इस पर दिए कि हम R22 का मतलब समझ सके R134a का मतलब समझ सके R500 जैसे आए तो हम क्या बोले एजोट्रॉप है R700 आए तो हम क्या बोले इनऑर्गेनिक है R70 आए तो हम क्या बोले ये सैचुरेटेड है कि नहीं इतना आइडिया होना चाहिए इससे। और जो परीक्षा में जो आता है वो ये आता है कि आपको कुछ के नंबर दे देंगे या किसी का नाम दे देंगे तो आप उनके बारे में उनका फार्मूला लिखे या उनका नाम लिखे या उनके नंबर लिखे ठीक है। तो अब हमारी आज की क्लास में खत्म करने के पहले हम ये बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो कल 1:30 बजे होगी और उसमें पढ़ेंगे आइडियल स्टडी अबाउट द क्या पढ़ेंगे हम क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल रेफरेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो अब आपको पढ़ना है हालांकि आपने पढ़ लिया होगा कि यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ आइडियल रेफरेंट के बारे में जो हमने देखा है वो आइडियल रेफरेंट की प्रॉपर्टीज में बेसिकली चार तरह की प्रॉपर्टीज होती है। चार तरह की प्रॉपर्टीज में जो है वो पहली वाली आपकी है कौन सी वाली थर्मोडायनेमिक इसके बाद कौन सी है फिजिकल फिर कौन सी है केमिकल उसके बाद कौन सी आपकी अदर। तो कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब क्लास खत्म करने के पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आज की क्लास में आप लोग कहीं कोई डाउट हो स्पेशली रेफ्रेशन की डेफिनेशन जो हमने आज पढ़ी है वो ये क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा है वो इसमें किसी का कोई भी डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा एक डाउट था सर ये जिसमें लास्ट में जीरो आएगा वो हेलो कार्बन नहीं है मतलब इन्हें कैसे पहचानेंगे थोड़ा सा नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा मुझे बताइए आज क्लास में कौन कौन नहीं दिख रहे हैं
17 लोग हैं, मतलब एक मैडम भी अपने साथ है। मैडम वेलकम, मैं क्लास ले रहा था, आपने ध्यान नहीं दे पाया। तो 15 लोग हैं आज, तो कल के शायद 5 लोग नहीं है। धर्मेंद है क्या आज? धर्मेंद नो सर, नो सर। धर्मेंद नहीं है, जितेंद्र नहीं है, राइट? नो सर, नहीं सर। नंबर 12 कौन है? सर जय, मोहित, जयेश, कुमरावत नहीं है? नहीं सर, जय सर, जय मतलब उसका रोल नंबर 12 है। हां, मतलब 15 किसका है? मोहित कुमरावत। ये नहीं है नो सर, मतलब कल मैं था उसके बाद में हूं। कल जो 5 लोग नहीं थे भाई, एक रोल नंबर 23 भी नहीं है, 23 सर अच्छा लग रहा है, अच्छा टाइम पास हो रहा है कुछ। लेकिन आप लोगों से मुझे शिकायत है कि आप लोगों ने अभी तक